नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल, आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभियान पर। दोस्तों आज आप मेरी खुशी देख के समझ गए होंगे कि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और आपके लिए तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा बताऊंगा जिसे जानकर आप काफी खुश होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर ना जाएं, वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मुझे हेल्प मिलता है, यूट्यूब मेरे वीडियो को बूस्ट करता है। और दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, और हाँ दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक करना मुझे काफी मोटिवेट करता है, मुझे लगता है कि मैं वीडियो अच्छा बना रहा हूँ या बुरा बना रहा हूँ ये मुझे पता चलता है। आप अपना फीडबैक बिल्कुल भी हमें नहीं देते हैं, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में फीडबैक दें। आप जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कहां पर अच्छा है कहां पर बुरा है, ताकि मैं उस सीन को कट कर सकूं, मैं उस खामी को उस कमी को दूर करने की कोशिश कर सकूं। तो दोस्तों अब बिना आपको टाइम बर्बाद करते हुए मैं आपको बताता हूं कि वो अपडेट क्या चीज है। तो दोस्तों आपने काफी यूट्यूबर्स से सुना होगा, काफी यूट्यूबर्स आपको कहते हैं, बताते हैं कि अगर आपको सोशल मीडिया पर ग्रो करना है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स या फ्रेंड्स को गेन करना है, अपना फॉलोअर्स बढ़ाना है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा। ऐसे तो एक चीज नहीं होती, काफी कुछ होता है, लेकिन उसमें दो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि सबसे पहला आपका कंटेंट क्या चीज है, आप कंटेंट किस तरह का उसमें डाल रहे हैं। और आपका कंटेंट अच्छा होता है तो व्यूअर्स जो होते हैं, जो आपके वीडियोस बताते हैं, वो आपके चैनल को आपके पेज को सब्सक्राइब कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं। तो आपका कंटेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ एक चीज और ऐसी बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखने के लिए कहा जाता है, लेकिन अक्सर लोग हर सोशल मीडिया साइट पर इसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर समय मोबाइल लेकर उस चीज को फॉलो करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहते हैं, उसके अलावा उनका कोई भी काम नहीं है। तो बाकी लोग जैसे मेरे और आप जैसे लोग जो हैं, जो काम भी करते हैं और वीडियोस भी बनाते हैं, तो आप हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो सकते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आप वाकई में ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों काफी यूट्यूबर्स कहते हैं, मैंने भी अपनी वीडियोस में बताया है कि अगर आप सोशल मीडिया पर जल्दी से जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अपने चैनल पर, आपको अपने आईडीज पर, आपको अपने पेज पर कंटिन्यू रहना पड़ेगा। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पर कंटिन्यू रहते हैं, चाहे वो फेसबुक हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए, यूट्यूब हो जाए, टिकटॉक हो जाए, या जो भी है, टिकटी ऐप हो जाए, जो भी सोशल मीडिया है जहां पर आप वीडियोस बनाते हैं या पोस्ट करते हैं, और आप अपने फ्रेंड्स को, फैंस को, फॉलोअर्स को जोड़ते हैं, एक बड़ी फैमिली बनाते हैं, उस जगह पर आपको जल्दी से जल्दी ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंसी रहना, मतलब कंटिन्यू रहना काफी जरूरी है। अगर आप कंटिन्यू नहीं रहते हैं तो आपका चैनल, आपका पेज बहुत स्लो, बहुत ही धीरे धीरे बूस्ट करता है, लेकिन अगर आप एक ही टाइमिंग पर बने रहते हैं तो वो वहां के जो सिस्टम होते हैं, एल्गोरिथम सिस्टम होता है सोशल साइट का, उसे लगता है कि नहीं आप इस पर, इस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो फिर आपके वीडियोस को, आपके वीडियो का रीच बढ़ा देता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजने लगता है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके वीडियो का रीच पहुंचने के कारण, वीडियो पहुंचने के कारण आपके वीडियो को ज्यादा देखा जाता है, व्यू ज्यादा आते हैं, सब्सक्राइबर फॉलोअर ज्यादा आते हैं। तो दोस्तों अब जो मैं बताने वाला हूँ वो इसी कुछ से रिलेटेड है कि आप अपने सोशल साइट्स पर, सोशल हैंडल पर कंटिन्यू कैसे रह सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि आप अपना आईडी पासवर्ड मुझे दे दो और मैं उस पर लॉगिन रहूंगा, मैं एक्टिव रहूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आप अब अपने इंस्टाग्राम पर, ये चीज यूट्यूब पर तो पहले से ही था, फेसबुक ने भी इस पर डाल दिया, बाकी अदर प्लेटफॉर्म पर तो ये नहीं है अभी, लेकिन अब आप इंस्टाग्राम पर, क्योंकि बात मैं इंस्टाग्राम की हो रही है तो मैं इंस्टाग्राम की ही बताऊंगा कि अब आप अपने इंस्टाग्राम आईडी पर भी, इंस्टाग्राम चैनल पर भी अपने पोस्ट को शेड्यूल में लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि आप वीडियोस एक बार बना लेते हैं, लेकिन आपको टाइम नहीं होता कि आप 5 बजे वीडियो डाल रहे हैं तो लगातार 5 बजे ही डालें, 4 बजे डाले हैं तो 4 बजे ही डालें, ये आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। आप रोज ऑनलाइन होते हैं, रोज वीडियो पोस्ट करते हैं, लेकिन एक ही समय पर नहीं कर पाते। तो अब आप अपनी वीडियो को कंटिन्यू एक ही समय पर डाल सकते हैं, वो भी कैसे दोस्तों, वो है शेड्यूल्स, इंस्टाग्राम का नया अपडेट शेड्यूल्स, क्योंकि दोस्तों अब इंस्टाग्राम पे चाहता है कि यहाँ पर क्रिएटर्स आएं,
क्रेटस का जवाब हो और वो यहाँ पर जल्दी से जल्दी बूस्ट करे और क्रेटस में यहाँ से कुछ अर्निंग कर पाए। तो दोस्तों इसी के बीच में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अब इंस्टाग्राम भी आपके रील्स को मोनेटाइज करने वाला है। ये एक्सपेरिमेंट फिलहाल फेसबुक पर चल रही है और मुझे उम्मीद है कि ये 10 से 15 दिन में ये एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद इंस्टाग्राम पर जरूर रोल आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर वीडियो क्रिएटर्स बहुत ज्यादा है। IGTV जो पहले इंस्टाग्राम पर थी फीचर्स, उसी के कारण अब इंस्टाग्राम पर रील्स के क्रिएटर्स जो होते हैं, शॉर्ट वीडियो क्रिएटर्स जो होते हैं वो काफी हैं। इसीलिए इंस्टाग्राम रील्स मोनेटाइजेशन का ऑप्शन इंस्टाग्राम पर बहुत जल्दी से जल्दी डालेगा। अब बात करते हैं कि आप शेड्यूल्स में पोस्ट लगाकर अपने आईडी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, व्यूअर्स फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं और फिर शेड्यूल्स में पोस्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगा कि आप पहले वीडियो ये करो वो करो, आपको सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि आप वीडियो अपलोड मारते हैं तो वीडियो चूज करने से लेकर आप वीडियो में टाइटल टैग जो लगाते हैं, हैशटैग लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वहां तक आपको अपना कंप्लीट प्रोसेस कर लेना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं तेजी में ये बता रहा हूँ। ये सब करने के बाद दोस्तों शेड्यूल्स पे पोस्ट लगाने के लिए आपको नीचे में मिल जाएगा एक एडवांस फीचर्स, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है एडवांस सेटिंग पर। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर में ही सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है शेड्यूल्स पोस्ट, ये ऑफ रहेगा, आपको इसे ऑन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो आपको नीचे में एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको दिन समय मिनट और मॉर्निंग इवनिंग चूज करना है। जैसे कि आप फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर शेड्यूल पोस्ट लगाने के लिए चूज करते हैं, आपको वो चीज चूज कर लेना है और चूज करने के बाद नीचे डन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना है, आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि आप क्या शेड्यूल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और उसके बाद दोस्तों नीचे में आपको शेड्यूल पर क्लिक कर देना है। ये पोस्ट आपका अपलोड हो जाएगा और जिस समय को आपने चूज किया है, जिस समय आप वीडियो अपना डालते हैं, वो वीडियो एकदम उसी समय पर अपलोड ऑटोमेटिक हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको ऑनलाइन रहना है, आपके मोबाइल में इंटरनेट हो, आपका मोबाइल जिंदा हो, आपका मोबाइल मर जाए, आप कहीं भी रहें, आपके पास नेट नहीं भी हो, आपके पास मोबाइल भी ना हो, लेकिन वो पोस्ट उस समय ऑटोमेटिक पब्लिश कर दिया जाएगा इंस्टाग्राम की तरफ से। ये शेड्यूल का सबसे अच्छा फीचर्स होता है और अगर आप कोई भी पोस्ट अपने शेड्यूल पर लगा देते हैं और एक ही समय पर वीडियो डालते हैं और लगातार आप ऐसा ही करते हैं तो इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिथम सिस्टम है उसे लगेगा कि आप इस समय अपना वीडियो डालते हैं तो वो आपके वीडियो का रीच वैसे लोगों के पास भेजेगा जो उस समय ऑनलाइन होते हैं। और आपको पता है कि जैसे ही वीडियो ऑनलाइन रहने वाले के पास जाता है वो वीडियो देखते ही देखते हैं। कंटेंट अच्छा हुआ दोस्तों तो गारंटी के साथ आपका वीडियो 10 से 15 से 20 मिनट में बूस्ट हो जाएगा, वायरल हो जाएगा। कंटेंट में कमी हुई तो वो वीडियो बूस्ट ना हो तो इसकी मैं गारंटी नहीं लेता, मैं नहीं बताता कि इससे आपका वीडियो वायरल होगा। हाँ, अगर आप वीडियो वायरल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह की क्रिएटिविटी करके किस तरह का वीडियो बनाकर अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं। दोस्तों वायरल करने की बात हुई और मोनेटाइजेशन की जब बात हो रही है तो मैं आपको एक बात यहाँ पर थोड़ा सा जरूर बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम पर कुछ रूल्स हैं जो आपके शॉर्ट वीडियो को, आपके रील्स को मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। वो ये है दोस्तों कि अगर आप दूसरे का कंटेंट यूज कर रहे हैं, चाहे आप उसमें ऑडियोज अपना लगा रहे हैं या फिर कुछ भी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो वो आपका वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा, ऐसा फिलहाल बताया जा रहा है। जो भी अपडेट मुझे मिल रही है उसमें लिखा हुआ है। और दूसरा ये है दोस्तों कि अगर आप कोई गाना लगाकर रील्स बना रहे हैं तो भी आपका जो है रील्स मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। तीसरा दोस्तों, अगर आप कोई एनिमेशन के साथ रील्स अपलोड कर रहे हैं, वो रील्स वायरल हो रहा है, भर भर के व्यूज आ रहे हैं, वो भी आपके मोनेटाइज नहीं किए जाएंगे। चौथा ये है दोस्तों कि अगर आप कुछ एनिमेशन, मतलब कुछ वर्ड्स है, वर्ड्स लिखा रहे हैं, जा रहे हैं, एनिमेट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, वो से रील्स भी आपके मोनेटाइज नहीं किए जाएंगे। मोटा मोटी यही समझ लेना है कि अगर आपका जो है कंटेंट जो है जेनुअन है, आपका अपना है, तो वो मोनेटाइज होगा। उसके अलावा बहुत ऐसे जो रूल्स हैं जिसके बाद आप अपने बहुत सारे वीडियो को मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। अभी सारे रूल्स निकल कर सामने नहीं आए हैं तो मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ये रूल्स सारे के सारे सामने आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि किसी क्या पॉलिसी है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल शेड्यूल से बात हो रही है तो आपको समझ में आ ही गया है कि अगर आप शेड्यूल में पोस्ट लगाएंगे तो आपको इससे दो फायदे होंगे। सबसे पहला,
इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम सिस्टम आपकी वीडियोस को बूस्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजेगा। और दूसरा दोस्तों ये भी होगा कि अगर आप एक ही समय पर वीडियोस बनाते हैं, आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, जेन्युइन होता है, तो आपके जो व्यूअर्स होते हैं उसे आपकी वीडियो का इंतजार रहेगा। वो जानेंगे कि नहीं आप इस समय पर वीडियोस डालते हैं, तो वो उस समय ऑनलाइन होकर आपकी वीडियोस को देखेंगे। और हर सोशल मीडिया का एक पॉलिसी है या फिर क्या है, एक सिस्टम है कि अगर अपलोड करने के एक घंटे के अंदर आपकी वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आते हैं फुल वॉच टाइम के साथ और सीटीआर अच्छा होता है, तो वो वीडियो लगभग 80-90% वायरल हो ही जाता है। तो दोस्तों इससे आपको दो फायदे हो गए। आशा है आप अब इस चीज को मिस नहीं करेंगे। अगर आप फ्री नहीं भी हैं तो आप अपने वीडियो को शेड्यूल से में लगाकर आप कंटिन्यू रह सकते हैं, एक ही टाइम पर पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा वो मैं कमेंट जरूर बताएं, क्योंकि मुझे ये अपडेट काफी अच्छा लगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा है। आपको ये अपडेट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिस पर आप इंस्टाग्राम से रिलेटेड काफी कुछ सीख सकते हैं, काफी कुछ जान सकते हैं। तो दोस्तों फिर कैसे टूट गए, बाय बाय, जय हिंद।